हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग वापस से आ चुके हैं जीडीए वाइस के साथ। दोस्तों, लास्ट वाले एपिसोड में जैसे कि आपको याद होगा कि हमने डाइस के सेफ्टी के लिए एक मिशन खेला था, जिसने कि हमें मिशन दिया था वो था कॉर्नल। तो दोस्तों, इस वाले एपिसोड में हम जा रहे हैं डाइस के पास में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे रेडार में एक सिम्बॉल आ रहा है डी करके, तो हमें अभी वहाँ पे जाना है। उस बंदे का नाम है डाइस, जिसके लिए हमें अभी मिशन करना है। तो जल्द से वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो हमें कौन सा मिशन देता है करने को। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख सकते हो, हम पहुंच चुके हैं स्टारफिश आइलैंड में और एंटर कर चुके हैं डाइस के मेंशन में। तो जल्द से चलते हैं आगे और अपने कार को सीधा सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हैं। और दोस्तों, यहां पे मैंने इनको बंदों को एक को ठोक दिया है और शायद अभी, और दोस्तों इन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दिया। इनसे बचना मुझे मुमकिन नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, जल्द से इन्हें चकमा दे के हम चलते हैं डाइस के मेंशन के अंदर। वो देख रेस्त्री का सलमान खान कहां भाईजान भाईजान का। तो दोस्तों, अभी हम फिलहाल आ चुके हैं डाइस के मेंशन के अंदर। हमने इसके बॉडीगार्ड को चकमा दे दिया था और शायद ये किसी मैच को देख रहा है और गुस्से से अपने टीवी को भी पलट दिया था। दोस्तों, अभी हम अंदर आ चुके हैं, तो जल्द से बात करते हैं डाइस के साथ में और देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख सकते हो, हम बाहर आ चुके डाइस के मेंशन से और इसने अभी अभी मिशन दिया है कि हमें कहीं थिप्स के हाउस में जाना है। गो टू द थिप्स हाउस एंड फाइंड आउट वेयर इज स्टैशिंग द मनी। तो जल्द से अभी चलते हैं अपने थिप्स हाउस में। जैसे कि आप रडार में देख सकते हैं कि हमें एक पिंक ब्लिपर में दिखा रहा है जहाँ पे कि थीप है। तो दोस्तों, अभी हमारा HP भी थोड़ा डाउन हो चुका है क्योंकि इनको बंदे ने हमें धड़ाधड़ गोली मारा था और इसी की वजह से हमारा HP डाउन हो चुका है। और हमारे पीछे 2-star वांटेड लेवल भी लग चुका है क्योंकि हमने इनके बंदों को भी कुछ 2-4 मार दिया था। अभी चलते हैं सीधा पुलिस वांटेड लेवल को रिड्यूस करने वाला स्टार ढूंढते हैं, फिर चलते हैं सीधा थीप के हाउस में और शायद हम हॉस्पिटल भी जा सकते हैं क्योंकि हमारा HP डाउन हो चुका है। तो हम फिर से इसे फुल कराने के लिए हम हॉस्पिटल फिर से जाएंगे। तो दोस्तों, अभी सामने ही एक पुलिस का वांटेड लेवल स्टार मुझे दिख गया, तो इसे ले लेते हैं ताकि पुलिस का खतरा हमें थोड़ा कम हो जाए। तो यहाँ पे आगे और एक मिलता है, तो सीधा इसको लेते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं हॉस्पिटल के पास। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख सकते हो, हम हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही हमें एक यहाँ पे अपने HP को फुल करने वाला मिल गया, तो हमने अपने HP को फुल करा दिया है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं सीधा थीप के हाउस में। तो दोस्तों, अगर हम इसी काम को हॉस्पिटल से करते तो हॉस्पिटल हमसे $100 से लेता ताकि हमारे HP को फुल कर सके, बट हम किसी बाहर जगह से लेते हैं तो ये हमें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो दोस्तों, अभी हम हॉस्पिटल से ही होके ही जाएंगे, बट हमारा HP तो अभी फुल हो चुका है तो हमें हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जल्द से चलते हैं अभी थीफ के हाउस में और देखते हैं कि वहाँ पे पहुँच के हमें क्या करना है। तो जल्द से चलते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पिंक फ्लिपर में दिखा रहे थीप का हाउस, वहीं पे है थीप। तो जल्द से वहाँ पे पहुँचते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा वहाँ पे पहुँच के। तो दोस्तों, मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे फुल स्पीड में लेकर यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और हम एकदम क्लोज आ चुके हैं पिंक फ्लिपर पे। तो जैसे कि दोस्तों, आप सामने ही देख सकते हैं हमारे पिंक फ्लिपर है। तो दोस्तों, हम अपने गाड़ी को साइड में पार्क कर देते हैं और यहाँ पे अपने गाड़ी को पार्क कर दिया मैंने और जल्द से चलते हैं पेंगुली पर। हम अपने वेपन्स को भी रेडी कर लेते हैं ताकि अगर यहाँ पे कुछ फायरिंग हो तो हम यहाँ से बच सकें। दोस्तों, हमें अभी इस विंडो के थ्रो झांकना है। तो दोस्तों, यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो दोस्तों, हम बाहर क्यों देखते हैं। और दोस्तों, ये इधर एक बंदा खड़ा था। दोस्तों, ये हमें देख के डर चुका है, यहाँ से भाग चुका है। ही हैज एस्केप्ड टू द रूफ, कीप ऑन स्टेल बट डोंट किल हिम। तो दोस्तों, हमें ऐसे मारना नहीं है, बट इसने हमारे ऊपर गोलीबारी कर दी है, फायरिंग कर दी है। तो दोस्तों, हमें इसके पीछे ही रहना है, इसका टेल लेके रखना है, बट हमें इसे मारना नहीं है जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं। तो दोस्तों, इसके हम एकदम क्लोज आ चुके हैं और कितना दूर जाएगा भाई बच के। हमें इसे फिलहाल मारना तो नहीं है, बट ये शायद अभी एस्केप करने की सोच रहा है, तो हम इसके पीछे ही चलते हैं अभी तक। तो दोस्तों, यहाँ से वो बिल्डिंग से ऊपर से कूद चुका है और उसके साइड में एक पार्टनर रखा हुआ था जो कि कार लेकर रेडी है। तो ये शायद अभी यहाँ से एस्केप करेगा और वो कार में बैठे बैठे हमारे ऊपर फायरिंग का। तो हम भी कूद चुके हैं रूफ टॉप से और यहाँ पे एक पैगियो खड़ा है जिसको GDA वाइजरी में स्कूटर नहीं बल्कि पैगियो ही कहते हैं। तो जल्द से चलते हैं इसका पीछे ही और देखते हैं ये कितना दूर जाता है। गाड़ी में बैठे बैठे ये फायरिंग कर रहा है, बट हम इसे मार नहीं सकते क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हमें सिर्फ इसे फॉलो करना है, ना कि हमें इसे मारना है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं इसके पीछे और देखते हैं कि ये कितना दूर जाता है। तो दोस्तों, अभी हम इसका फॉलो करते करते बहुत दूर आ चुके हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा HP हमारा डाउन हो गया क्या। और फिलहाल अभी हम प्राउन आइलैंड पे हैं और दोस्तों, हमारा HP इसलिए डाउन हो गया क्योंकि हम स्कूटर सॉरी फैगियो में थे। तो दोस्तों, अभी इसने हमें एक गोली मार के अपना टायर भी पंचर कर दिया, तो मैं अपने गाड़ी का इस वाला कवर और दूसरा गोली मार के दूसरा टायर भी पंचर कर चुका है। तो हमें शायद अभी थोड़ा सा आगे जाना होगा ताकि हम इसे डरा सकें। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और दोस्तों, यहाँ पे ये गाड़ी से उतर के इस वाले बिल्डिंग में जा चुका है। तो दोस्तों, इस वाले मिशन में हमें सिर्फ फॉलो करना था। तो दोस्तों, हमने फॉलो करके इस मिशन को पास कर लिया। दोस्तों, इस मिशन को पास करने के बाद में हमें मिल चुके हैं $1000, टोटल हो चुका है 2925
तो दोस्तों अभी हम एक नया मिशन खेलने वाले हैं, तो दोस्तों जल्द से चलते हैं फिर से डाइस के पास में ताकि हम एक नया मिशन खेल सके। तो जल्द से चलते हो देखते हैं कि डाइस हमें कौन सा नया मिशन देता है, और पहुंचने के बाद आपसे मिलते हैं सीधा। तो दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं डाइस के यहाँ पे, और दोस्तों इससे अभी बात करते हैं, देखते हैं कि हमें मिशन क्या करना है। हम ऊपर अपने गाड़ी को उठा देते हैं, और दोस्तों लास्ट टाइम हमने जैसे गलती की थी इस बार हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अभी चलते हैं डाइस के मेंशन के अंदर, बात करते हैं उससे। और पहले शायद वाह वाइज क्या मेंशन है यार, एकदम लग्जरियस मेंशन है। और डाइस किसी के साथ फोन पे बात करे तो इससे पहले बात करने देते हैं। और दोस्तों इससे गुस्से से अपने फोन फेंक दिया है। तो दोस्तों हमारे कैरेक्टर यहाँ पे एंटर हो चुका है, तो इससे बात करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि हमें आगे के मिशन के लिए क्या करना है। तो जल्द से बात करते हैं और बाहर निकलते हैं यहाँ इसके मेंशन से और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डाइस ने हमारे साथ लेंस को भेज दिया, और फायदा हुआ है दोस्तों डाइस का। अगर आपको फुल नेम नहीं पता होगा तो उस बंदे का नाम है रिकार्डो डाइस, उसका फुल नेम है। तो दोस्तों यहाँ पर लेंस जा रहा है अपने ड्राइविंग सीट पे, और हम बैठ चुके हैं हेलीकॉप्टर में। शायद हमें अभी वेपन चलाने हैं, तो यहाँ पे हेली का हेल्थ हमें दिखा रहा है राइट साइड में, और यहाँ पे अपना हेलीकॉप्टर भी टेक ऑफ कर लिया। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने मशीन गन के साथ में, जो कि है M60, जो कि बहुत ही पावरफुल वेपन है। और जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा राइट में लेंस बैठा हुआ है ड्राइविंग सीट में। तो जल्द से चलते हैं, अभी हम जा रहे हैं प्रॉन आइलैंड में, जैसे कि हमने लास्ट वाले मिशन में उस बंदे का पीछा किया था। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे उसका पैसे चुराने, जैसे कि वो अपने पैसे को लेकर वहाँ पे स्टॉक करते थे। जल्द से वहाँ पे पहुँचते और देखते हैं कि अभी क्या करना है। तो दोस्तों मैं अपने गन को टेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, और फटाक से इसमें आग लगा दी और याच को फोड़ ही दिया। तो दोस्तों जल्द से वहाँ पे प्रॉन आइलैंड में पहुँचते हैं उस बंदे के बिल्डिंग में, और आपसे मिलते हैं वहाँ पे सीधा पहुँच के। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं प्रॉन आइलैंड पे, जहाँ पे कि हमने उस बंदे को फॉलो करते करते यहाँ तक आए थे। दोस्तों इसको पहले से पता था कि हमें इनको अटैक करना है, तो इसलिए इसने बंदा बैठा कर रखा है पहले से ही। तो दोस्तों यहाँ पे हम उसके ड्रम को फोड़ देते ताकि इन्हें थोड़ा हैवी डैमेज हो। दोस्तों यहाँ पे बालकोनी में भी शायद और बंदे आ सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे बालकोनी में भी बंदे आ चुके हैं, नीचे भी बंदे हैं, इनको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे मशीन गन हमारा एकदम खतरनाक तरीके से चल रहा है, तो हम चलते हैं घर के बैक साइड में। अभी सारे बंदों को हमें यहाँ पे ख़त्म करना है। तो दोस्तों हमारा जो लेंस जो हेलीकॉप्टर को ड्राइव कर रहा है ये भी बहुत बढ़िया तरीके से, और यहाँ पे उनका एक बैन आ चुका है, बट ये बैन ज़्यादा समय नहीं टिकने वाला हमारे इस मशीन गन के सामने। तो इन बंदों को जल्द से ख़त्म करते हैं यहाँ से। और इनका एक मिनी ट्रक भी एक खड़ा हुआ है, इसको भी हमने बस्ट कर दिया है। और सामने एक वैन और एक मिनी ट्रक खड़ा हुआ है, तो इनको भी मैंने बस्ट कर दिया। और हम ऑयल टैंक्स को जल्द से बस्ट करेंगे ताकि इन्हें का थोड़ा हैवी डैमेज हो। तो हम टेनिस कोर्ट में ये क्या कर रहे हैं यार, यहाँ पे दो बंदे तीन बंदे थे, दो एक को मैंने पहले ही ढेर कर दिया था तब। और यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे रूप में और दो चार बंदे बैठे हुए हैं, तो इनको भी मैं पहले ख़त्म कर देता हूँ। और दोस्तों अगर टैंक्स को मैंने फोड़ दिया है, जैसे कि इसको देख सकते हैं इनको हैवी डैमेज, एक ही बार में तीन चार बंदे को यहाँ पे हम किल कर सकते हैं अगर हम टैंक को फोड़ देते। तो यहाँ पे नीचे और दो चार बंदे बाकी हैं, इनको भी हम किल कर लेते हैं, और शायद उसके बाद में हमें इस बिल्डिंग्स के अंदर जाना होगा ताकि हम अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना कैरेक्टर जैसे कि देख सकते हो बहुत खतरनाक तरीके से एंट्री किया है यहाँ पे। अभी हम नीचे जा रहे हैं, लेंस ने भी हमें गुड लक बोल दिया है ताकि हम अपने पैसे को फिर से लेके आ सके। तो यहाँ पे अपने हेलीकॉप्टर अच्छी तरीके से लैंड कर रहा है लेंस, तो यहाँ पे हम अभी उतर चुके हैं। गो एंड कलेक्ट द मनी ऑन द रूफ, तो शायद हमारा पैसा रूफटॉप में है। तो यहाँ पे अंदर भी अभी घर के बिल्डिंग के अंदर भी बहुत बंदे होंगे, तो हम अपना क्रूगर वेपन निकाल लेते हैं। पहले मैं सोच रहा था शॉटगन, लेकिन शॉटगन के लिए हमें क्लोज जाना पड़ेगा उनका, जो कि हम नहीं चाहते। लॉन्ग रेंज से ही हम उनको खेल ख़त्म कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने क्रूगर निकाल लिया है। तो क्रूगर से हमने दो बंदों को ढेर कर दिया। अभी मशीन गन से यहाँ पे सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, तो इसको पहले मार लेते हैं। ऊपर भी एक बंदा है, इसको मैंने मार दिया है, और दोस्तों हमारे सामने खड़े बट वो कुछ नहीं कर रहा, और हमारे पीछे वन स्टार वांटेड लेवल भी लग गए हैं अभी। तो अभी शॉर्ट रेंज के लिए हम एक SMG निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मैक निकालने की सोच रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये गन निकाल लिया है। तो दोस्तों अभी ऊपर की साइड में एक बंदा तो ज़रूर है जो अभी फायरिंग कर रहा, तो इसको भी मैंने मार दिया। अभी पीछे से एक बंदा कोई मार रहा है हमें, तो दोस्तों यहाँ पे सर कवर ले लेते हैं, और ये रहा वो बंदा जो हमें मार रहा था। तो हमारा HP अभी 75 हो चुका है, और अभी कहीं ना कहीं तो एक बंदा तो ज़रूर बचा हुआ है जो कि फायरिंग कर रहा है। और इनका CD थोड़ा अलग टाइप का नहीं है, थोड़ा इधर उधर, अगर सीधा बनाने का होता तो क्या हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा कोई बंदा यहाँ पे है जो कि मुझे दिख नहीं रहा कहीं से, वो फायरिंग करता है शायद इसी साइड है वो बंदा। और दोस्तों हाँ शायद ये बंदा हो, इसको भी मैंने मार दिया है यहाँ पे। अभी चलते हैं सीधा रूफ टॉप में अपने पैसों को कलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं, अपने ब्रीफ केस को ले लिया है हमने। तो दोस्तों यहाँ पे वो हेलीकॉप्टर लेंस
लेके फिर से आ चुका है। तो दोस्तों हम जल्द से हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और डायस चलते हैं सीधा स्टारफिश आइलैंड में, ताकि हम अपने ब्रीफ केस को डायस को वापस कर सके। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हम पहुँच चुके हैं अभी डायस के, और इससे मिशन को हमने एकदम अच्छे तरीके से पास कर लिया। तो इसी के साथ में हमें मिल चुका $2000। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारे दोस्तों आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।